पानीपत में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि जीटी रोड पर लूटपाट, चोरी और छीना झपटी जैसी घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामले में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस बार बदमाशों का अंदाज काफी शायराना था। रोहतक से आए एक व्यापारी मार्केट में काम निपटाने के बाद अपनी गाड़ी में निकलने ही वाला था, उसी दौरान पैदल चलते हुए एक व्यक्ति के पास आता है और उन्हें यह कहता है कि पीछे कोई उन्हें बुला रहा है। इतना सुनते ही व्यापारी नीचे उतरा और पीछे की तरफ चला गया। उसी दौरान बिना वक्त गवाए दूसरा शातिर बदमाश अपने काम में लग जाता है और गाड़ी में बैठे ड्राइवर से बोलता है कि गाड़ी के नीचे कुछ रुपए उसके पड़े हैं। ड्राइवर नीचे उतरकर देखता है तो ठीक गाड़ी के पीछे खड़ा व्यक्ति चतुराई से गाड़ी में रखा पैसे से भरा बैग लेकर फरार हो जाता है। एक सूचना मिली है जी, कुलदीप शर्मा जो रोहतक से आया था, गाड़ी में पांच आदमी थे, उनकी गाड़ी से कोई पीछे से बैग उठा के ले, उसमें दो लड़के बैठे थे, वैसे उनको गुमराह कर दिया उन्होंने, भैया आपको बुला रहा है, एक नीचे उतर के चले गया, दूसरे के साथ पैसे डाल दिए, बोले जी आपके पैसे गिर गए, और पीछे से बैग उठा के पैदल भाग गया। उसमें देख रहे हैं सर, अभी एफ आई आर लॉन्च करेंगे, साइड की दुकानों से मोबाइल लॉन्च होती देख रहे हैं, कोई फोटो वगैरह कोई या कोई गाड़ी वगैरह का पता चल जाए, अभी जाँच कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में भी देख रहे हैं। और रोहतक से आए हैं, रोहतक से पानीपत मार्केट करने आए, पानीपत एक भैया मार्केट पर पालिका बाजार गए हैं। पालिका बाजार गए तो मैं और सुनील जी, मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ था और सुनील जी बैठे हुए थे ट्रैक्टर सीट पे। तभी एक बंदा आता है, सुनील जी को बोलता भैया आपको कोई बाहर बुला रहा है, अंदर मार्केट में बुला रहा है। तो सुनील जी उतर के चले जाते हैं, भाई भैया बुला रहे हैं दूसरे, और वो खिड़की बंद करके चले जाते हैं। दूसरा बंदा आता मेरे को ये पैसे गिरता है खिड़की के पास, कहता वो खिड़की खोल के बोलता भैया आपके पैसे गिरे हुए हैं। मैं सोचता भाई ड्राइवर के पैसे गिरे हुए हैं, मैं ये पैसे उठाने लग गया। और फिर तीसरा बंदा आता है, ये खिड़की होता है कनेक्टर के पीछे वाली, और दो बैग लेके निकल जाता है। बैग में कैश था, डॉक्यूमेंट वगैरह थे, 2,21,000 रुपये। मेरे कपड़े का काम है सर। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? मैं जींद का। जैसे अक्सर आते रहते हो यहाँ पर अपन? हाँ हाँ, ये लगा लो रेली वीकली आते रहते हैं। कितने लोग आए थे आप? 8-7 साल से आ रहे हैं। कितने लोग आए थे? 5।